हेलो सलाम आदाब नमस्ते जी, हाँ मैं हूँ रेहान और आप देख रहे हैं बंजारे। तो वी आर प्लानिंग फॉर मनाली एंड शाम में बस है हमारी एंड विल बी लीविंग फॉर मनाली फ्रॉम कश्मीरी गेट। तो वहाँ से पकड़ेंगे अपनी बस और चलेंगे कल मनाली। बहुत देखा है रील में कि मनाली में बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है, तो अभी चल के देखते हैं कि वहाँ पे रियल में हो रही है या नहीं। ओके तो हमारे साथ जा रहे हैं हमारे जान भाई। तो जान भाई आर यू रेडी? यस भाई, पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, बैग सेट है, रेडी टू गो। ओके निकल चुके हैं अपन कश्मीरी गेट के लिए और बहुत तेज भूख लगी थी तो वी डिसाइडेड टू हैव समथिंग, सो वी वांट एफकेसी रोल ऑन द वे। निदान भाई सही है? यस भाई। पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट और आज 26 जनवरी है, तो भाई सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और इसी जाम के चलते हमने बहुत पहले ही घर छोड़ दिया, हम आ चुके हैं करीब करीब आधे घंटे से हम यहाँ खड़े हुए हैं। बस आएगी हमारी 6 बजे और अभी हो रहे हैं 5:30, तो लेट्स वेट फॉर द बस। तो बस अपनी यहीं पे आएगी और दिस इज़ मेट्रो गेट नंबर 5, कश्मीरी गेट मेट्रो गेट नंबर 5, दिस इज़ LIC बोर्ड और इसी के पास जो है अपनी बस आएगी। तो वी आर वेटिंग फॉर द बस कि बस आए और उसके बाद वी विल गेट ऑन बोर्ड, उसके बाद दिखाते हैं आगे का। क्षेत्र में और यहाँ बस का हॉल्ट है और वी हैव ऑर्डर्ड पालक पनीर एंड रोटी, खाते हैं, ये रात का डिनर हो जाएगा। ये बहुत है और डिनर कर लिया हमने और नाउ यू आर वेटिंग फॉर चाय। चाय मिल जाए यार, ठंड में तो मज़ा ही आ जाए। तो बस चाय का इंतजार है, चाय भी बन रही है और ठंड तो भाई यहीं से अपन पहुँच गए कुरुक्षेत्र, तो यहीं से फील होने लगी है कि भाई ठंड। So the best part of Manali starts from here. The time is 5:30 now and then sun is rising now. कहाँ कल रात आप दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में थे और कहाँ एक रात में ही you get transferred to a different location, to a different landscape. हर मोड़ पे एक नई दुनिया है। मानो ऊपर वाला आपसे पूछ रहा हो कि बताओ कैसी बनाई है मैंने। इससे मन भर गया तो ये देख लो, अगर इससे मन भर गया तो अगले मोड़ पे एक और दुनिया है, उसे देख लो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप पीछे बहुत सारे गांव छोड़ते जाते हो। मनाली के रास्ते में आप भुंतर, कुल्लू, नागर क्रॉस करेंगे, उसके बाद मनाली आएगा। और जैसे ही आप मनाली के नज़दीक पहुंचेंगे, देन यू सी स्नो केप माउंटेन्स एंड द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट लुक्स ब्यूटिफुल। और जैसे ही ब्यास नदी आपके जस्ट बगल में बहने लगे और यू फील लाइक यू आर इन अ वैली, देन मेरे दोस्त यू आर इन मनाली। यार
हम पहुंच चुके हैं मनाली. टाइम इज 9 अप्रोक्सीमेटली. द व्यू इज ब्यूटीफुल. ऊपर टॉप पे जो है स्नो मिल रही है अपने को, और नीचे तो अभी टेम्परेचर -7 है, पर धूप निकली हुई है तो फीलिंग गुड. नाउ अभी चलते हैं होटल के लिए. टैक्सी देखते हैं, यहाँ पे बस स्टैंड पे रुके हुए हैं, आगे टैक्सी देखते हैं, फिर वहाँ से होटल चलते हैं. Cab from taxi stand and we are heading towards the hotel. यार चेक इन कर दिया अपन ने होटल में, बट चेक इन हो नहीं पाया क्योंकि 9 बजे पहुंच गए हैं अपन यहाँ पे और चेक इन टाइम इज 11. तो वेट कर रहे हैं अभी कि रूम खाली हो. टाइम पास किया जा रहा है. इधर बैग वैग डाल दिया होटल में ही और इधर उधर घूम रहे हैं. धूप बहुत अच्छी निकली हुई है आज, इसका मतलब स्नोफॉल नहीं होगी और मस्त सन किस वाली वाइब ली जा रही है. सो वी चेक्ड इन आवर रूम एंड दिस इज द रूम व्हिच इज ऑन द 3rd floor. एंड यहीं खत्म करते हैं आज का व्लॉग. नेक्स्ट व्लॉग में विल शो हाउ मनाली इज लुकिंग राइट नाउ. तब तक के लिए बाय.